तो जरा करबला में चलकर करबला का जलवा देख ले। ऐसा लगता है कि जैसे हुसैन आज भी अपने बाजुओं को दांव देकर बाकी के खिलाफ खड़े हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम, लोगों को करबला बयान करने से तकलीफ इसलिए है कि लोग जानते हैं जब तक सुन्नियों में करबला बयान होता रहेगा या जब तक मुसलमानों में करबला बयान होता रहेगा, इनमें फिर बहादुर लोग पैदा होते रहेंगे। जिस कौम में करबला नहीं उस कौम में बुज़दिल पैदा होते हैं। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को करबला इतना रखा दो कि जब कोई नाम मार दो तुम्हारा दीन बदलना चाहे तो तुम्हारा बच्चा बच्चा अली अकबर और कासिम की हैसियत से खड़ा होकर मुकाबला करे। आप कहें तूने जज्बाती गुफ्तगु तो कर दी, इसी कोई दलील भी है? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको दलील पेश करता हूँ। इमाम हुसैन के बाद जितने फितने उठे मुकाबले के लिए, हर बंदा जहाँ से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं करबला से टच नजर आता है। आइए बताऊं, देख लीजिए, मंसूर का फितना उठा उस वक्त जब कोई मर्द कलंदर उसके सामने खड़ा हुआ सीना तान कर, तो उसको दुनिया नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। जो मुरीद किसका है? जो मुरीद है ज़ैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। और बास लोगों ने कहा सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक का, लेकिन बहरहाल देख रहे करबलाई है ना, अल्लाह अकबर। फिर आप देखें अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त फितने मामून उठा और खल्के कुरान का फितना उठा, उसमें भी कोई सीना तान करके खड़ा नजर आया तो मुनकिरे करबला नहीं बल्कि करबला से वाबस्ता सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल नजर आए। आप देखें अहमद इब्ने हंबल कौन है? चारों इमामों में जिसने सबसे ज्यादा यजीद का रद्द किया है, हत्ता के जिसने यजीद को काफिर कहा है, वो इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आए। उसके बाद देखें जब फलसफे ने अल्लाह पर इस्लाम में बिगाड़ने की कोशिश की, उस वक्त मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गजाली नाम का मर्द कलंदर उठा, वो कौन है? वो भी करबलाई है। इसी तरीके से जब दीन मुर्दा होने के करीब था, उस वक्त बगदाद में जिसने दीन का हाथ पकड़ के खड़े करके दीन को जिंदा करके मोहियुद्दीन का लकब पाया है, वो तो नस्बी भी करबलाई था और हस्ती भी करबलाई। तो उस वक्त तो धूल चटाने के लिए सैयद अहमद कबीर रफाई बनकर जो सामने आया, वो भी करबलाई थे। अल्लाह पर नस्बी भी और हस्बी भी, बास लोग दर वाले थे, बास घर वाले थे, लेकिन थे सब करबला वाले, लेकिन थे सब करबला वाले थे। सबकी जिंदगी में करबला न गिना दूं तो फिर मेरा नाम नहीं।
ले आओ किसी भी इंकलाबी को, ले आओ किसी भी इंकलाबी को। आजकल तुम सीरियलों के जरिए से अर्तुगरल गाजी को ज्यादा जानते हो, वो सीरियल वाले अर्तुगरल को मैं नहीं जानता, लेकिन जो असली वाला अर्तुगरल रोम की सरजमीन पे सो रहा है वो भी कर्बलाई। इसलिए कि वो मुरीद है शेख मुहियद्दीन इब्ने अरबी का, और इब्ने अरबी मुरीद है जिसके वो है सरकार गौसे आजम के गुलाम। देखे तो सही, उसके बाद आप देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। मामूनियों का फितना उठा, मंसूरियों का फितना उठा, अब्बासियों का फितना उठा, उमवियों का फितना उठा, सबका सर कुचलने वाले और पैर रख करके मरोड़ देने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह गांव थे वो सब कर्बलाई थे। इसलिए कि कर्बला खून गर्म करता है, कर्बला खून में हरारत पैदा करता है, कर्बला नाम मर्दी खत्म करके वजूद में मर्दानगी पैदा करता है। किस किस को किस किसने मर्द कहा ये अलग उनवान है, लेकिन नबी ने जिसको मर्द कहा उन मर्द कहलाने वालों में एक और है, कहते ला पता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और ज़ुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। उस फितने के मुकाबले के लिए जो आया उसी को दुनिया निजामे मिल्लत वद्दीन खाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है। आप अंदाजा फरमाएं अकबर के फितने को फारूक आजम के जिस शहजादे ने धूल चटा करके जमीन से मिटा दिया, उसको दुनिया शेख अहमद सरहिंदी अल्लाहु अकबर मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जानती है। दिल्ली को मदीने का परतो बनाने वाला मर्द कलंदर जिसको दुनिया मुहक्किके अल-इतलाक कहती है वो भी तो कर्बलाई थे। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, कहां कहां तक कहूं, बल्कि एक बात कहूं, अपना जनाजा खुद पढ़ाकर अल्लाहु अकबर अहले कुफ्र को कुफ्रिस्तान को जिसको हैरत में डाल दिया था वो साबिर कलियर भी तो कर्बलाई था अल्लाहु अकबर। इसी तरह 70,000 को कलमा पढ़ाने वाला और तख्त को लात मार करके चौचा बसाने वाला मखदूम अशरफ जान के सिमनानी भी तो कर्बलाई थे। लोग कहते हुसैन तख्त के लिए गए थे, मेरे मखदूम ने तख्त को लात मार के कहा जब औलाद के सामने तख्त की हैसियत नहीं है तो दादा के सामने क्या। जिसके बच्चे हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। जिसने 14वीं सदी के फितने को धूल चटाया वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी भी ऐसा कर्बलाई था कि कहते हैं खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा सरे के कुनिंदश फिदाए आले रसूल। अगर नहीं समझे तो बता दूं, कहते हैं दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ऐसे ऐसे कर्बलाई जिसके दौर के मुनाफिकों ने उसको शिया रावजी तक होने का ताना दिया कि इसका नाम तो अहमद रजा है, इसके अब्बा का नाम तो नकी अली है, इसके दादा का नाम तो राज जय वो कासिम मुसा कासिम है और परदादा का नाम अली रजा अली है, तो ये सारे नाम तो अहले बैत के इमामों के हैं, तो ये रावजी हो गए हैं। उस वक्त कहा गया ये नाम रखने वाले रावजी नहीं होते बल्कि सहाबा को गालियां देने वाले राजी होते हैं, गोया के नाम बता। और वो कोई कह सकता है चले भाई ये नाम जो रखे इन्होंने थोड़ी रखे, इनके आबाओ अजदाद ने रखे, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया, बेटियों के नाम भी वो रखे। ऐसा कर्बलाई था मेरा इमाम, यूं ही थोड़ी प्यार है अहमद रजा से, इसलिए कि वो अहमद रजा अहले बैत के साथ सच्ची वफा करते हैं। बेटियों के नाम किसी के घर में वो ना मिले मुझे, मेरी अपनी मालूमात में जो के घर में मिले तो चलो अहमद रजा नाम तो अब्बा ने दादा ने रखा, दादा का नाम पर दादा ने रखा, पर दादा का नाम रखा खानदान वाले, लेकिन ये क्या थे का ये थे। बेटी पैदा होती है तो नाम रखते मुर्तुजाई बेगम,
अली के नाम पे बेटों के नाम तो मिलते हैं, अली के नाम पे बेटियों के नाम नहीं मिलते। अली के नाम पर जिसने बेटी का नाम रखा है उसी को दुनिया इमाम अहमद।